सारे 6 बजे उठते हैं, फिर 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट का काम पूरा करके उसके बाद फिर 2 घंटे का रेस्ट होता है, फिर उसके बाद 12:30 बजे फिर दोबारा दूसरा काम शुरू हो जाता है। गरीब बंदे को क्या सपना होगा आगे, बस है भाई जी, घर में जब खेती किसानी करो क्या करना भैया। मेरा नाम विनोद है, मेरे को 8-9 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। पूरे दिन का रूटीन है सर, सुबह 6:30 बजे उठते हैं, फिर 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट का काम पूरा करके उसके बाद फिर 2 घंटे का रेस्ट होता है, फिर उसके बाद 12:45 बजे फिर दोबारा दूसरा काम शुरू हो जाता है लंच का, फिर 2 बजे वो लंच का काम खत्म करके फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद स्नैक्स 4 बजे स्नैक्स शुरू होता है 6 बजे तक, फिर 6 बजे से फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 7:30 से डिनर शुरू होता है, फिर 9:30 बजे फिनिश। लगता तो है पर वो ये है कि अब पैसे के लिए जाना ही पड़ेगा बाहर, वो आउट ऑफ कंट्री भी है ये, तो फिर भी इंडिया में ही है। हाँ खाना तो ये स्टूडेंट आते रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो हमारे पास आते रहते हैं कि भैया आज का खाना आपको अच्छा है, तो हमारे को काफ़ी अच्छा लगता है, और हमारे को जब हमारे को अच्छा लगेगा तो हमारे ऑनर को भी अच्छा लगेगा उसमें, क्योंकि हमारा इसलिए हमारे मैच का नाम होगा कि नहीं, ये हमारे मैच का नाम होगा तो हमारे ऑनर का नाम होगा, हमारा फीडबैक अच्छा आगे अच्छा जाएगा कि हाँ भाई इस मैच का फीडबैक अच्छा है, तो इसलिए हमारे स्टूडेंट हमारे पास आते रहते हैं, मतलब बढ़ते हुए करते हुए बढ़ते रहते, मतलब किसकी चॉइस क्या है, मतलब चॉइस मतलब ज़्यादा हमारी मैच की चॉइस ज़्यादा होती है, वोक मैच की, मतलब कि हाँ यहाँ पे खाना। हाँ दिवाली है, होली है, कहीं मन नहीं जाने का है तो यही मना लेते हैं, और हाँ अच्छा हो जाता है, और जो मौका बने तो घर चले गए। मतलब यहाँ हमको कंफर्टेबल रहता ज़्यादा, उससे पहले जब हम करते थे मैं आईटी लाइन में करता था काम, नेटवर्किंग वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का, तो वहाँ मतलब ज़्यादा वो नहीं रह पाता था, इधर जाना पड़ता फील्ड वर्क था वहाँ, और यहाँ पर है एक साथ है, यहाँ पर सोना भी यही है, खाना भी यही है, वहाँ पर बहुत भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। हमें जो है अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ IIT से ही मिला यहाँ से, हाँ जी, क्योंकि बाकी जगह जहाँ पे हमने काम किया वहाँ पे हमें सर सामान नज़दीक मिल जाता था, तो मंडी में जो काम किया यहाँ से जो काफ़ी हमें दिक्कतें पैदा हुई, तो उससे हमें जो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला यहाँ से, तो होनी चाहिए। नहीं देखो ये लाइन ऐसी है, ऐसी चीज़ है कि खाना तो हम लोग किसी दिन बंद नहीं कर सकते, उसमें तो छुट्टी हो नहीं सकती है कोई, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो जाए कुछ भी हो जाए खाना तो बनना ही है, चाहे 5 लड़कों के लिए बने वो तो बनना ही बनना है, लेकिन बस अगर कुछ कम करना हो तो इतना कर सकते हैं कि जैसे हमारा स्नैक्स जो रहता है ये स्नैक्स थोड़ा सा ऑफ हो जाए तो वो बेटर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा राहत मिल जाती है, फिर उधर 2 बजे हमारा लंच ख़त्म होता है, उससे फिर डिनर में आराम से थोड़ा टाइम अच्छा मिल जाता है, खाना भी अच्छा बन सकता है, और उससे फिर डिनर की क्वालिटी और बढ़ सकती है, उस टाइम पर हमारा 5 से 6 स्नैक्स चलता है, तो जैसे 6 बजे स्नैक्स ख़त्म होता है डिनर की तैयारी होती है, अगर स्नैक्स ना हो तो हम लोग डिनर जो बनाएंगे वो आराम से सुकून से बना सकते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी टाइम पे आपको पूरा फीडबैक मिला तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? हाँ जी पूरा फीडबैक भी आते हैं कभी कभी हमारे पास, तो उसको हम चेंज करते हैं, जैसे उनसे हम बच्चों से राय लेते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा, कुछ एक बोलते हैं जैसे आपके खाना कुछ पतला है तो हम उसको चेंज करते हैं, कुछ दालें पसंद नहीं है तो दालें चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ तो करते हैं हम, कोशिश चेंज करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा अंदर का स्टाफ होता है उसको थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं कि कुछ कमियाँ अगर हमें लगता है कि उसमें जेन्युइन कमी हुई है, कुछ हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं, तो उनको सुधारने की पूरी कोशिश की जाती है। सपना का सर बस यही काम करना हो, क्या सपना करना, आप गरीब बंदे को क्या सपना होगा आगे, बस है भाई जी, बस घर में जाओ खेती किसानी करो क्या करना भैया। सपना तो मेरा भी है, तो सपना है कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ और अच्छे लेवल पर जाऊँ, अच्छे सेट होता तो उस लेवल तक आगे बच्चे हैं उनके लिए सोचते हैं क्या करना आगे क्या नहीं, फिर अपनी लाइफस्टाइल फैमिली लाइफस्टाइल अच्छी करना चाहते हैं बस। अरे मेरा तो सपना यही है, अच्छी कार हो अपनी, खुद का घर हो अच्छा सा,
अच्छी फैमिली हो, सुकून से जिए, इधर उधर भटकना पड़े, यही सबसे अच्छा है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा। सब मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को भाई पैसा कमाना है, कैसे भी कैसा पैसा कमाना है। पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा सर। हाँ मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, हाँ इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, अभी शुरू कर दिया है। मेरे को 1 साल हो गया। हाँ टाइम मतलब दोपहर में जो समय बचता है उसमें क्लास देख लेते हैं और रात में देख लेते हैं सोते समय। और कुछ नहीं, बस माँ बाप को ही देखना है बस, और कुछ नहीं करना है मेरे को। अपना तो कभी पूरा होते ही नहीं अपने भाई, पूरे करने से तो सोचा हुआ कुछ कि ये पूरा करना है ऐसा नहीं। खुद का डालूँ बिजनेस, खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं हम भी। आपस माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं हम। आज से 10 साल पहले से डांस कर रहे हैं और डांस करने में हमको अच्छा लगता है और सपना पूरा करना चाहते हैं। यही देना चाहते हैं कि जैसे हमारे वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं हमारे, इतनी मेहनत करते हैं इनके लिए, तो वो लोग उनका थोड़ा सा ध्यान रखा करें। कुछ लोग होते हैं, सबको नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको बहुत छोटा समझते हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा इज्जत से बात करें, उनसे अच्छे से बात करें, जैसे हम लोगों से बात करते हैं एज अ मैनेजर। हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, जैसे वो लोग हमको ट्रीट करते हैं, भैया करके बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारा वर्कर्स कोई गलती कर रहा है तो उसको प्यार से समझा दें, छोटा भाई समझ के। हम ये मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट लोगों को कि आप लोग आएँ, थोड़ा हमसे भी मतलब प्रेम से बात कर लिया करें। मतलब कुछ लोग होते हैं यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई वो नहीं है। मतलब हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं यहाँ पर, कोई तो रहना चाहिए हमको बोलने के लिए। फ्रेंड के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आइए, ऐसे कोई बात नहीं, IIT बहुत अच्छी है और यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा है और जो सिक्योरिटी वगैरह है कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब बाहर जाने के लिए ऐसे कोई बात नहीं।